निकल लोगे निकल जल्दी 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 भाई, पीछे से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भाई, भाई, भाई देखा जल्दी, मैंने जल्दी, कैसे इस कैली को मारा भाई साहब, उसको मैंने फंसा फंसा के लावे के अंदर मारा। ओए शिप भी आ चुकी है बाहर, तो लीजिए गाइस एक बार हम वापस बाहर आ चुके हैं और मेरे को मिले हैं टोटल, मेरे पास तो दो दो डायमंड आ चुके हैं भाई, तो एकदम माइनिंग हमारी लकी हो गई। टोटल मेरे को मिले 8 डायमंड, 8 डायमंड भाई, मुझे तो खाली देखे भाई, मुझे तो खाली 2 मिले हैं। तेरे को मैंने बोला था, तेरे को मैंने भाई बोला था कि ऑगी की पिकैक्स लेके जा, तू लेके नहीं गया भाई, देख ले तो मेरे पास गाइस, तो गाइस आज हम गए थे माइनिंग करने और मेरे पास टोटल 8 डायमंड्स आ चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि सबने 8 बारी लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है क्योंकि हम जीत चुके हैं। काम करते हैं भाई, 4 मेरे 4 आपके, ये क्या बात कर रहा है भाई, मेरी मत, मेरी मेहनत है भाई, एक दे दो, एक तेजी भैंस की है, खुद काम कर, बोल अब बोल, अब बोल ओगी का तीर कमाना मेरे पास, आप बोल तेरे को मैं लपेटता हूँ, आ जाओ ओगी की सोर्ड लेकर, अच्छा एक मिनट भाई, देख भाई तू आगे की शॉट लेके नहीं आ सकता क्योंकि मैंने मेहनत करके रखी हुई है, ठीक है ना, ये मेरे डायमंड है, एक डायमंड दे दो भाई, आपके पास 8 डायमंड है, क्या हमारी फाइटें देख रहा भाई है, तू क्या हमारी फाइटें देख रहा बेवकूफ चिकन। ओके लगे दिमाग मत खराब कर, मेरे को बहुत सारे काम है, मैं माइनिंग का कॉम्पिटिशन जीत चुका हूँ भाई, वो डायमंड एक बार फिर से दिखाना, तो क्यों क्या हो गया ये डायमंड भाई, ये तो मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं ये डायमंड्स, मुझे ये कौन सा नया फंडा लॉगिन निकाल कर रखा है, डायमंड एकदम मस्त लग रहे हैं भाई, ये फेक नहीं लॉगिन नहीं है ये, लॉगिन मेरे को बेवकूफ बना रहा, डायमंड एकदम से असली है, तेरी भाई, तेरी बात मैं समझ चुका हूँ भाई, काम करो भाई, एक ड्रॉप करके दिखाओ भाई, ले, मैं एक ले ले तू, ओके मेरे को चेक करके वापस दियो, ठीक है चेक करके वापस दे, सारे दो ना भाई, मुझे सारे चेक करने पड़ेंगे ना, वापस देना मेरे को, अच्छा चलो एक और दे दो फिर, ओके ये दोनों चेक, ये सारे चेक करके फटाफट से वापस दे, अगर मैं यहाँ पर सनलाइट के नीचे ऐसे रखूं तो, सनलाइट के नीचे रख रहा है, ओके रुक भाई, ओ मेरे डायमंड लेके भाग गया यार, ये क्या इसको यार भाई, एक बंदा मेहनत कर रहा है और दूसरा डायमंड लेके भाग चुका है। हम यहाँ पर करते हैं गो कार्ट रेसिंग, अगर मैं जीत गया तो सारे डायमंड्स जो हैं तेरे मेरे हो जाएंगे, ठीक है, ओ हाँ, जो तूने माइन करके रखे हैं 2 वो भी मेरे, ठीक है लेट्स गो। तो गाइस मैं लेके जाऊंगा, ओ भाई गाड़ी के इंजन तो बहुत ज्यादा तेज है, तो अभी मेरे पास आ चुका है येलो वाली कार, ठीक है लगी, आ जाओ भाई देख रहे ना भाई, कितना कीचड़ उड़ा रहा है भाई, पागल है क्या तू, कितना कीचड़ उड़ा कर रखा है, लेट्स गो 1 2 3 मैं जीतूंगा, अपने आप से रूल बना कर रखे इससे तो, और यार क्या यार इसका मतलब कि भाई ये निकाल तो बात है, ट्रिक दिखाता हूं भाई, मेरी गाड़ी के पीछे खड़े होना, तो रुक जाओ यहाँ पे खड़ा हूँ गाड़ी के पीछे, एक मिनट भाई, और ये लो कुछ मेरे ऊपर तो कीचड़ फेंक, गाइस ये गलत बात है, तो मेरे डायमंड भी लेके चला गया चलाके से और रेस भी चलाके से जीत गया ये, चले बेटे सीधे चीफ के पास जाना तेरे को, भाई चीफ भाई एक काम करो भाई, चीफ को रहने दो, मैं आपको चलो एक और चांस देता हूँ भाई, हाँ मेरे को कोई चांस चाहिए नहीं, की दूसरी तरफ 2 खतरनाक वाले घर बने हुए हैं और मैं सोच रहा हूँ भाई एक बिल्ड चैलेंज करते हैं वहाँ पर घर के अंदर, हाँ भाई आ जाओ बिल्ड चैलेंज, भाई मैं जीत जाऊंगा बिल्ड चैलेंज में, मैं एकदम प्रो हूँ, अच्छा तो अगर तूने मेरे को डायमंड नहीं दिए ना और बिल्ड चैलेंज के बाद भी तूने मेरे साथ धोखा किया तो मैं बिल्कुल डायरेक्टली चीफ को बता दूंगा और तेरे को धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल देगा, ठीक है भाई, तूने मेरे साथ चालाकी करी है बिल्कुल, अरे भाई साहब यहाँ पर गाइस घर तो एकदम बहुत वाकई में मॉडर्न वाले बने हुए हैं, रुक भाई आपको कौन से वाला चाहिए, तो मैं ये वाला लूंगा, तो गाइस अंदर से ये घर एकदम से खाली है, तो पहले सबसे पहले मैं लॉगी का घर देख के आता हूँ, मुझे पहले ये देखना की कौन सा घर जल्दी से, गाड़ी अंदर अंदर ले जा, पार्किंग यहाँ पर कर रहा हूँ, तो मुझे पहले देखना की कौन सा घर जल्दी से बनेगा, ओके तो ये वाला घर थोड़ा बहुत ऑलरेडी बना हुआ है और इसको इसका मतलब है कि मुझे तोड़ना पड़ेगा, अगर मैं तोड़ूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ओके ये वाला घर बेकार है, तो अगर मैं ये वाला घर देखूं भाई साहब, ये वाला घर तो एकदम अंदर से टोटली खाली है, इसका मतलब ये एक डेकोरेशन करने में मेरे को कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं होगी, तो यार लॉगिन मैं ये वाला घर ले रहा हूँ, हाँ सही है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे क्रिएटिव में आना पड़ेगा, तो सबसे पहले आयरन वाला डोर को हटाओ, मेरे को आयरन वाला डोर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो प्रेशर प्लेट भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि जब मैंने आयरन वाला डोर हटा दिया तो प्रेशर प्लेट की कोई जरूरत भी नहीं है मेरे को यहाँ पर, तो फटाफट से मैं यहाँ पर फ्लोर भी चेंज कर देता हूँ, ओके आयरन वाला डोर हटा दिया ये ब्रो, और फ्लोर के लिए मैं यूज करूंगा अपने कॉमन हैक्स जो है हमारे, ये स्टेज लगाने मेरे को यहाँ पर फ्लोर के ऊपर, तो कुछ चीजें गाइस मैंने हाथ से पकड़ कर रखी हुई है, अब ऑब्वियसली गाइस जब भी कोई बंदा मेरे घर के अंदर आएगा तो उसके पास सामान तो बहुत सारा होगा ना, तो मैं यहाँ पे उसके लिए मैं चेस भी रख लेता हूँ, तो चेस के अंदर अपना सामान मैं सिक्योरली यहाँ पर रख सकता है, और अगर उसने आर्मर वगैरह पहना हुआ तो ये आर्मर अपना यहाँ पर रख सकता है, तो लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये भी लगा लेता हूँ, तो एक यहाँ पर भी और एक यहाँ पर भी, तो यहाँ पर अपने पैर साफ करके वो एकदम से हमारे घर के अंदर में एंट्री मार सकता है, और दूसरी बात गाइस थोड़ी बहुत डेकोरेशन
भी मेरे को यहाँ पर करनी है, तो एक काम करते हैं ये जगह तोड़ के हल्की हल्की लीफ पे लगा लेते हैं ताकि अच्छा लगे, जब वो एंट्री मारे तो उसको अच्छा लगे। और फाइनली एक यहाँ पर पेंटिंग और एक यहाँ पर पेंटिंग, तो लीजिए गाइस हमारी एंट्रेंस एकदम से सॉर्टेड हो चुकी है। तो सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पर ये वाली विंडो भी तोड़ लेता हूँ और मेरे को यहाँ पर लगाने हैं ग्लास, और मैं सोच रहा हूँ कि ये सारी जगह होगी हमारी रसोई और हमारा डाइनिंग एरिया। तो ओके यहाँ पर मेरे को ये लगाना है बैरल, रैंडम बैरल, सबसे पहले मेरे को बैरल यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर भी लगाओ। तो रैंडमली मैं बैरल लगा रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है बैरल लगाने की। ओके ये वाला मैं तोड़ लेता हूँ और अभी मेरे को यहाँ पर लगाने हैं स्लैब्स 1, 2, 3, 4 और मेरे को यहाँ पर लगाना है फर्नेस, एक फर्नेस यहाँ पर और इसके ऊपर लगाना है फ्रेम्स, फ्रेम के अंदर पड़ा होगी एक नाइफ, तो यहाँ पर हमारे ऑब्वियसली रसोई के अंदर हमें नाइफ तो चाहिए ना, तो यहाँ पर मैंने नाइफ लगा दी है और एक छोटी सी पेंटिंग यहाँ पर और ये वाला बैरल तोड़ के मैं यहाँ पर लगा देता हूँ कॉल्ड्रन, और ये होगा हमारे कपड़े वगैरह धोने की जगह। इसके अंदर मुझे पानी भी डालना होगा तो फटाफट से मैं अपने क्रिएटिव में से पानी ले लेता हूँ। तो लीजिए गाइस हमारी रसोई भी एकदम से रेडी है। तो अभी यहाँ पर गाइस कुछ और चीजें मैंने लेकर रखी हुई, तो सबसे पहले ये विंडो में भर लेता हूँ और मैंने यहाँ पर लगा कर रखी है पेन वाला सिस्टम जो है यहाँ पर लगा कर रखा है ताकि मैं बाहर भी देख सकूँ और बाहर वाले लोग अंदर ना देख सके। तो यहाँ पर थोड़े बहुत मैं और स्लैब्स लगा लेता हूँ और यहाँ पर मेरे को फ्रेम 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 इसके अंदर मैं लगाऊंगा गोल्डन एप्पल और ये स्वीट बेरीज और एक और एप्पल और साथ में एक और गोल्डन एप्पल डेकोरेशन के तौर पर मुझे यहाँ पर लगाने हैं पॉट्स, पॉट्स के अंदर भी डालते हैं ये बेरी एकदम मस्त लगे और मैं डाल भी नहीं पा रहा यार, ए बहुत खतरनाक वाला बना रहा हूँ मैं लॉगी। तो ये रही मेरी, ये रही मेरी गैस और यहाँ पर हम खाना पकाएंगे। ए तू यहाँ पे क्या कर रहा है? सॉरी मैं जा रहा हूं, चीटिंग कर रहा है भाई। तो लॉगी मेरा डिजाइन लेके भाग गया यार, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लॉगी को तो पता है जीतेंगे तो हम, क्योंकि डेकोरेशन में गाइस एकदम खतरनाक वाली सोच है हमारी। तो और अभी गाइस मैं बनाऊंगा अपना लिविंग रूम, तो ठीक है ये जगह हमारी स्टोरेज सी हो जाएगी, ये जगह भी स्टोरेज हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरे को लगानी है एक छोटी सी चिमनी, ओके तो यहाँ पर एक जाएगा और यहाँ पर भी एक जाएगा। चिमनी के लिए मुझे यहाँ से भी कवर करना है और यहाँ से भी कवर करना और बीच में मेरे को लगाने हैं ब्रिक वाले स्लैब, तो ये जाएंगे यहाँ पर। और चिमनी के लिए हमें यहाँ पर लगानी है एक छोटी सी कैंप फायर, ओ माय गॉड ऑलरेडी मेरे को बहुत जबरदस्त लग रहा है। और यहाँ पर लगाएंगे एंड्रॉड और एक एंड्रॉड इस तरफ और यहाँ पर लगाऊंगा मैं अपना छोटा सा सोफा, सोफा कैसे लेते हैं। और लीजिए गाइज हमारे बैठने की जगह एकदम से रेडी हो चुकी है। ऑलराइट गाइस तो ये आ चुकी है हमारी छोटी सी लाइब्रेरी, तो मैंने ऑलरेडी कुछ बुक शेल्फ्स यहाँ पर रखी हुई हैं और साथ में रखा हुआ है छोटा सा टेबल। ऑब्वियसली कोने में मेरे को यहाँ पर एक सोफा, लॉगी तो क्या कर रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं भाई, ओके देखो लग रहा है चीटिंग कर रहा है ये। तो ऑब्वियसली गाइस कोने में मैंने एक छोटा सा सोफा भी रखा हुआ है, तो अपनी खिड़कियां मुझे आधी कवर करनी है और यहाँ पर मैं सोफे थोड़े बहुत यहाँ पर भी रख लेता हूँ। और अपने मेन बेडरूम के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पर बुक्स लगानी पड़ेंगी, रैंडमली मुझे यहाँ पर बुक्स लगानी, तो कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है बुक लगाने की। और बिल्कुल यहाँ पर मेरे को लगानी है ये लैंटेन, तो लीजिए एक मेरा एंट्रेंस यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट जगह दो बेड रखने की। और हम बेड ऐसे नहीं रखेंगे भाई, बेड के साथ हम यहाँ पर एक छोटा सा फ्रेम भी अपने लिए बनाएंगे। तो लीजिए गाइस मेरा यह होगा यहाँ पर एक छोटा सा बेड वाली जगह, यहाँ पर मेरे को रखना है एक छोटा सा आर्मर स्टैंड और यहाँ पर रखेंगे हम शल्कल बॉक्स। तो लीजिए तो रंग बिरंगे शल्कल बॉक्स मैंने यहाँ पर रखे हुए, तो 1, 2 ऊपर बटन भी लगा दो ताकि पूरी अलमारी वाली फीलिंग मेरे को यहाँ पर आनी चाहिए। तो एक यहाँ पर, एक एक यहाँ पर और एक यहाँ पर और फाइनली एक शल्कल बॉक्स यहाँ पर। तो लीजिए गाइस हमारा हाउस एकदम से कंप्लीट हो चुका है, क्या बात है। सबसे पहले लॉगी का हाउस देखेंगे और मेरे को लग रहा है कि लॉगी का हाउस ऑलरेडी घटिया होगा, लेकिन नहीं, और ये लॉगी का हाउस तो एकदम बढ़िया लग रहा है। सब टू मेरे को पता है लॉगी लेगा, सब लॉगी मेरे को पता। तो ये है गाइस लॉगी का डोर मैट, मैंने यहाँ पे पैर साफ करके यहाँ से अंदर घुसता हूँ और आते ही सोफा खतरनाक लाल वाला सोफा है भाई, वेरी नाइस किचन वाला व्यू है भाई, छोटा सा घर बना कर रखा है लेकिन लॉगी ने एकदम कोजी कोजी है। तो ये है गाइस इसकी किचन की, हाँ वही किचन की स्टोरेज यहाँ पर लगी हुई है, छोटे से बुक शेल्फ लगे हैं। ओ भाई एकदम ब्लास्ट वाला फर्नेस भी यहाँ पर लगा हुआ है होता है, यह ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, मेरे को लगा था ब्लास्ट फर्नेस के अंदर खाना वगैरह पका रहा होगा लेकिन नहीं। और अगर ऊपर जाकर देखे तो एकदम छोटा सा कोजी कोजी सा बेडरूम भी इसने बना कर रखा है। और अरे भाई मैंने अभी सोफा और ये छोटी सी बालकनी भी यहां पर, मैंने अभी नोटिस किया कि लॉगी की बालकनी भी है। ओके लॉगी का हाउस मेरे को एक्चुअल में पसंद आ रहा है, अभी लॉगी मैं तेरे को दिखाता हूं अपना ग्रैंड, देखते हैं ग्रैंड मॉडर्न हाउस। और ये रही गाड़ी की पार्किंग, तेरे को बिल्कुल इसी बे के अंदर खड़ी करनी है यहाँ पर, नाइस। इसने तो साइड वाला मैकेनिक का बिजनेस भी यहाँ पर शुरू किया भाई, घर के अंदर ही बिजनेस। तो ये आपकी ये दरवाजे बंद कर लेता हूं भाई, ये नीचे ये देखिए इंटरनेशनल फ्लोर है, तो एंट्री तेरी यहाँ से होगी। ओके ओके, अगर तेरे पास आर्मर वगैरह है तो तेरे को आर्मर वगैरह यहाँ से उतार रहा है। आर्मर स्टैंड क्या बात है भाई, एकदम से छोटा वाला रूम है लेकिन मस्त लग रहा है। और बिल्कुल रूम के यहाँ से आपने एंट्री मारनी और आते ही किचन के अंदर ये भाई टेबल बड़ा खतरनाक है भाई, इसके ऊपर आइटम फ्रेम्स भी लगी हुई है प्लेट की तरह, तो आज तो बड़ी पार्टी होगी हमारे घर के अंदर। और साथ में गाइस हमारा लिविंग रूम यहाँ पर आपने ऑलरेडी देख
लिखा हुआ है, तो नीचे साथ में फायर भी चल रही है, एकदम मजा मेरे को आ रहा है यहाँ पर। तो कैंप फायर वाला एरिया भाई ये भी एकदम बढ़िया। और ये रहा मेरा ऑफिस, देख पूरा छोटा ऑफिस, ये देख ये क्या भाई, एकदम बढ़िया। बीच में तो मैं अपना लैपटॉप रखूंगा भाई, एकदम मस्त लगेगा, खतरनाक है। अभी ऊपर देखो दिखाता हूं, अभी आता है गाइस अपना बेडरूम। तो लीजिए गाइस ये रहा अपना बेडरूम, और बेडरूम के साथ लॉग ये रही मेरी छोटी सी लाइब्रेरी, छोटी सी लाइब्रेरी ये देख, बात है भाई लाइब्रेरी ना भाई। तो लीजिए गाइस ये टेबल भी लगा हुआ है, अच्छा ज्यादा हाथ मत मारिए गंदी हो जाएगी। तो लीजिए गाइस ये रहा मेरा मॉडर्न हाउस। तो अगर आपको लगता है कि मेरा घर बढ़िया तो हिट सब्सक्राइब, और दूसरी बात मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसका घर बहुत बढ़िया लगा आपको। तो चलिए ए मेरे डायमंड निकाल, डायमंड निकाल बेवकूफ, डायमंड मारने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए गाइस मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।